यार गाइस, तो आज भी मैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फैक्ट लेके आप लोगों के पास तो आ चुका हूँ, लेकिन सॉरी यार, 2-3 महीने का गैप था। एक्चुअली मैं कंटेंट के टाइप को मतलब वेरिएट करना चाह रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ। तो फाइनली एक नई सुबह के साथ, एक नई वीडियो के साथ आज हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने। आज कुछ ऐसे सीक्रेट आर्मी के बारे में बताऊंगा जो चाइना में एग्जिस्ट करती थी और उसकी हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, सब कुछ मैं बताऊंगा। उसके अलावा आज कुछ ऐसे फैक्ट हुआ था इंडिया की हिस्ट्री में जो कि मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक हमारे स्ट्रगलर के बारे में है वो। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 2007 में रिहाना की सिंगल अम्ब्रेला को रिलीज़ किया था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसने 7 वीक स्पेंड किए बिलबोर्ड पे एकदम टॉप पे, और इसमें JZ को भी इसने फीचर किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई, बिलबोर्ड पे 7 वीक तक स्टे करना। खैर अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट के बारे में। खैर अभी तक समझ नहीं आया हमारा कंटेंट टाइप, तो एक्चुअली हम इस वीडियो में आज के दिन मतलब जिस दिन हम वीडियो डाल रहे हैं उसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताते हैं जो आप जरूर रिलेट करोगे। अब इंडिया में स्मोकिंग को तो बैन कब से करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कदम पहले ही उठा लिया है 2004 में आयरलैंड ने। इन्होंने पब में स्मोकिंग और रेस्टोरेंट और वर्क प्लेस हर जगह इन्होंने स्मोकिंग को बैन कर लिया था, सबसे पहले कंट्री थी। और जैसे कि आप जानते हो इंडिया में हावड़ा ब्रिज बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसी की तरह एक ब्रिज है जिसका नाम है वास्को डिगामा ब्रिज, जो कि 7.6 माइल्स लंबा ब्रिज है। इसको 1998 में ऑफिशियली मतलब ओपन कर दिया था। तो कैसे लग रहे हैं फैक्ट, तो लाइक कर दो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर देना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की। 1974 में चाइना की जो वर्ल्ड फेमस टेराकोटा आर्मी है उसको अनकवर्ड किया था एक ग्रुप ऑफ फार्मर शियान चाइ। फैक्ट तो ये धासु था ही। अब आपके मन में आ रहा होगा इस आर्मी के पीछे का रहस्य क्या है, तो ये एक्चुअली में इसको दफना दिया था 6000 क्ले वॉरियर्स को 2010 से 2009 BC के अराउंड, ताकि वो चाइना के जो पहले एम्परर क्विंग सी ह्वेंग को बचा सके वो उनके आफ्टर लाइफ के बाद भी। अब आपकी स्क्रीन पे दो इमेजेस आ रही है, एक है मून की और एक है मार्स की। इन पे तो पहले भी इसके स्पेस क्राफ्ट जा चुके हैं, लेकिन 1974 में नासा के मैरिनर 10 ने पहला एक स्पेस क्राफ्ट बना जो मरकरी को रीच किया, और यही इकलौता मतलब पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसने हमारे पास मरकरी की फ़ोटो भेजी थी। गाइस नाइग्रा फॉल के बारे में तो जानते ही होंगे, तो 1848 में वो बहना बंद कर चुका था क्योंकि एक आइस फॉल के कारण। लेकिन आइस फॉल जो टर्म है वो मैंने दिया, एक्चुअली में आइस जैम लग चुका था, बहुत ज़्यादा बर्फ आ चुकी थी जिस वजह से वो बह नहीं पा रहा था। खैर ये वाला फैक्ट पता नहीं होगा, लाइक कर दो, अब कमेंट में प्लीज़ बताना। बहुत टाइम बाद रिकवरी कर रहा हूँ मैं अपने मतलब इस डाउन फेज से, तो होप सो आप अच्छा सपोर्ट बनाएं। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्ट के बारे में जिसके लिए होप सो आप पैट्रियोटिक लोग अभी तक जुड़े होंगे। लेकिन उससे पहले 1929 में US के प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने अपने व्हाइट हाउस में पहला टेलीफोन इंस्टॉल करवाया था, जो कि उनके ओवल डेस्क पे मतलब जो ऑफिस की डेस्क है उस पे इंस्टॉल करवाया था। और साथ ही साथ आज के दिन क्वीन विक्टोरिया ने 1871 में रॉयल अल्बर्ट हॉल को ओपन कर दिया था। अब बात करते हैं मंगल पांडे के बारे में। अगर अभी तक के फैक्ट आपको अच्छे लगे तो ये वाला फैक्ट तो मतलब कातिल होने वाला है। आज के दिन मंगल पांडे ने बैरकपुर में ना ही केवल मतलब जो उनका ऑर्डर था उसको रिफ्यूज़ किया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने हेनरी बाग के ऊपर एक बुलेट भी फायर की थी, लेकिन वो उस शॉट को मिस कर चुके थे। लेकिन ये एक मतलब पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद से मतलब फायर पकड़ ली थी इसने, और इस इंसिडेंट को कहते हैं इंडियन सिपाही म्यूटिनी। तो ये सारे फैक्ट थे, होप सो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से करना बिना भूले। और कल से मैं 2 सेगमेंट में लाऊंगा, मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ था मतलब इससे हिस्ट्री में, और अब क्या होगा मतलब कल के दिन क्या स्पेशल है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सेगमेंट को लॉन्च करने में। तो तब तक के लिए प्लीज़ थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियो।